गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई होप यू ऑल आर फाइन. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस ऑफ टीजीटी सोशल साइंस एंड दिस इज पेपर वन. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. सो क्वेश्चन नंबर वन इज लंडन इंडियन सोसाइटी एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आर फाउंडेड बाय हुम अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज. द ईस्ट इंडिया सोसाइटी आई नो कि ये दादा भाई नौरोजी ने एस्टैब्लिश की थी. आंसर दादा भाई नौरोजी होना चाहिए क्योंकि दादा भाई नौरोजी जो थे उनको ग्रैंड ओल्ड मैन बोला जाता था इंडिया का, और INC के भी वो फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और वो 3 बार प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, आपको ये याद होना चाहिए. एंड वो फर्स्ट मेंबर थे पार्लियामेंट के जो इलेक्ट हुए थे UK हाउस ऑफ कॉमन्स में. एंड उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये बनाई थी 1867 में. इन्होंने ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई थी. एंड लंडन इंडियन सोसाइटी ये उन्होंने इस्टेब्लिश की थी 1865 में. 2 ईयर्स का इसमें डिफरेंस है. ये इसके ईयर भी आप लोगों को याद करने बहुत ज़रूरी हैं. बाकी ये जो ऑप्शंस बच गए दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. जैसे राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, ओके. एंड लाला लाजपत राय ने सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन उसको इस्टेब्लिश किया था लाहौर में. क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, सो जस्ट कीप दिस इन योर माइंड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू इज द फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी. अब इन्होंने पूछा है फर्स्ट मास मूवमेंट. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ था, तो ये तो रॉन्ग ही हो जाएगा. एंड सॉल्ट मूवमेंट दांडी मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ था, ये भी रॉन्ग हो जाएगा. तो अब हमें देखना है इंडिगो मूवमेंट या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. इंडिगो मूवमेंट 1917 वाला आई थिंक चंपारण सत्याग्रह है क्या, चंपारण सत्याग्रह. तो वैसे तो फर्स्ट मूवमेंट की बात करें तो इंडिगो मूवमेंट है, बट यहाँ पर ये बात कर रहा है कि फर्स्ट मास मूवमेंट, मास लेवल पे जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था. तो इसका आंसर होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. गांधी जी की लीडरशिप में जो पहला मास मूवमेंट था वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही था, और ये 1920 से 21 तक चला, जिसमें काफ़ी सारी वुमेन्स भी हमने देखा, वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट के अंदर. बहुत लीकर शॉप्स जो थी, शराब की दुकानें, उन पे धरना दिया था. और जैसे उर्मिला देवी, सुनीता देवी, ये काफ़ी वेल व्यूमेन ऑर्गेनाइजर्स थी इस मूवमेंट के अंदर. और आपने, आपको ये भी पता होगी चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था. चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से ये जो मूवमेंट है इसको गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया था 1922 में. इसको बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो गए थे गांधी जी से. आपको इसमें यह भी पता होना चाहिए कि मेन रीजन क्या था ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये स्टार्ट ही हुआ था, फर्स्ट मास मूवमेंट, बिकॉज यू नो जलियांवाला बाग मैसेकेयर हुआ था अमृतसर के अंदर 1919 में. जलियांवाला बाग मैसेकेयर की वजह से ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था गांधी जी ने, कि अब बहुत ज्यादा हो गया है, नाउ वी कैन नॉट कोऑपरेट, अब हम कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3. चूज द करेक्ट ईयर्स ऑफ मूवमेंट. करेक्ट ईयर्स इसमें बताना है महात्मा गांधी रिटर्न्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 1915 में, वेरी गुड. ये सारे ईयर्स आपको लर्न होने चाहिए. चंपारण मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1917, ये भी ठीक है. इसमें करेक्ट ईयर बताना है हमें. हाँ, रॉलेट सत्याग्रह 1918. रॉलेट सत्याग्रह 1918 में नहीं हुआ आई थिंक, बिकॉज रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ है ड्यूरिंग जलियांवाला बाग मैसेकेयर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. पीजेंट मूवमेंट्स इन खेड़ा, खेड़ा में 1919 में नहीं हुआ आई थिंक. ऐसे ये दोनों इनको चेंज कर दिया गया है. खेड़ा में जो मूवमेंट हुआ था वो 1918 में हुआ था. तो दो ऑप्शन हमारे रॉन्ग है, ए और बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा. दिस इज द राइट ऑप्शन. तो जैसा आप सभी को पता है कि गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका गए थे 1915 में, वो वापस लौट कर आए, और इवन कि साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने बहुत सारे नॉन वायलेंट सत्याग्रह मूवमेंट्स चलाए थे, वहाँ की जो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनमें हारमनी बनी रहे. और फिर आकर जब इंडिया आए वो, तो उन्होंने पहला सत्याग्रह मूवमेंट किया चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के अंदर. ये वाला चंपारण मूवमेंट किया इन्होंने बिहार के अंदर, जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे जो नील की खेती किया करते थे उन लोगों पे, जो बहुत ज़्यादा यातनाएं कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उनके लिए उन्होंने चंपारण मूवमेंट चलाया था 1917 में. चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट सत्याग्रह था, ये आपको याद रखना है. लेकिन जो वर्ड, अगर हम बात करें वर्ड सत्याग्रह की, जो वर्ड सत्याग्रह है वो गांधी जी ने सबसे पहले यूज़ किया था ये जो रॉलेट एक्ट के दौरान.
रॉलेक्ट एक्ट जो हुआ, एंटी रॉलेक्ट एक्ट एजिटेशन चल रहा था जलियांवाला बाग मैसेकेयर की वजह से, तब ये सत्याग्रह यूज किया गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। बात करें खेड़ा सत्याग्रह की, तो खेड़ा जो है ये 1918 में स्टार्ट किया गया था। ये जो रॉलेक्ट एक्ट है 1919 में जो किया गया था, क्योंकि हमने देखा कि जलियांवाला बाग मैसेकेयर हुआ, जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे एंटी रॉलेक्ट एक्ट लगाया हुआ था, रॉलेक्ट एक्ट लगाया हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर इकट्ठे नहीं हुआ हो सकते थे। बट लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि लोग, बिकॉज लोग जो है वो आसपास के गांव से आए थे, उनको इतना पता नहीं था, और वो लोग इकट्ठे हुए और जनरल डायर ने सब लोगों को शूट कर दिया। ओके, तो ये रॉलेक्ट एक्ट हुआ उसके लिए। इसको इंडियंस ने इसको ब्लैक एक्ट भी बोला, इसको नाम दिया काला कानून। ये काला कानून है जो कि इंडियंस को डेलिब्रेटली इंडियंस के लिए बनाया गया था, और इवन इंडियंस को पता भी नहीं था कि ये कानून कब बनाया, उसको उनको उन लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं थी। बेसिकली इसकी प्रसाइजली हम बात करें तो जो 1915 में जो एक्ट बनाया गया था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो बनाया गया था 1951 में, उसी के प्रोविजंस को एक्सटेंड करने के लिए रॉलेक्ट एक्ट बनाया गया था। जो 1915 वाला एक्ट है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाया गया था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सो कीप दिस माइन्यूट थिंग्स इन योर माइंड, बिकॉज एनीथिंग कैन कम रिगार्डिंग दिस। सो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। इन विच ईयर साइमन कमीशन केम टू इंडिया। ये डेट आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए, 1928 इसका आंसर है। साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आया था। एक्चुअली हुआ क्या था, जो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में, तो उसको रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन को बुलाया गया था। इसको हम वाइट कमीशन भी बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई भी इंडियन डेलीगेट नहीं था। इसकी वजह से जब ये इंडिया आया मुंबई में, तो इसको बॉयकॉट किया गया, सब लोगों ने इसको बॉयकॉट किया। बिकॉज 1919 का जो जलियांवाला बाग मैसेकेयर हुआ, उसके अंदर लोगों को मारा गया बुरी तरीके से, बंद कर दिया गया था वो जलियांवाला बाग, और जनरल डायर ने शूट आउट किया था, जबकि लोगों को कुछ पता भी नहीं था। कुछ लोग वहाँ कुएं में कूद गए हैं, कुछ लोग बहुत सारे लोग मर गए, और जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स थे उसमें केवल कुछ ही लोगों की मृत्यु दिखाई गई, कि केवल आई थिंक द फिगर वॉज 272 और 300 समथिंग, कि केवल 200 या 300 लोग मरे हैं, जबकि मरे थे हज़ारों में। इंडियंस ने जब डिमांड किया कि एक कमीशन बैठना चाहिए कि किसका फॉल्ट है, तो उसके लिए साइमन कमीशन को बिठाया गया था। इसको वाइट कमीशन इसलिए बोलते थे क्योंकि इसमें इंडियन की कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं थी। इंडियन की कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, अगर इंडिया की तरफ से कोई दलील देने वाला ही नहीं है, तो फ़ायदा क्या ऐसे कमीशन का। इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उसने इसको फुली बायकॉट किया था साइमन कमीशन को, और ये इंडिया आया था 1928 में। क्वेश्चन नंबर 5, किस लैंग्वेज में न्यूज़पेपर केसरी पब्लिश किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, यू शुड नो दिस, दैट वॉज इन मराठी। केसरी जो था ये न्यूज़पेपर था, ये मराठी लैंग्वेज में था, जिसको 4 जनवरी 1881 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। तो दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये जो केसरी न्यूज़पेपर है, बाल गंगाधर तिलक इन दो न्यूज़पेपर्स को चलाते थे, केसरी को और ये महारथा। केसरी जो था वो मराठी में था, और ये जो महारथा था ये इंग्लिश में पब्लिश होता था। ओके, एडिटर्स थे इन न्यूज़पेपर के, वो काफ़ी लोग थे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, रिफॉर्मर्स थे। तो ये जैसे चिपलुंकर उसमें था, चिपलुंकर थे, तिलक थे, तो ये सब लोग कंट्रीब्यूट करते थे। सो दिस वाज डन फॉर टुडे, आई होप यू ऑल लाइक दिस क्वेश्चंस।